हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आलू के स्टफ्ड पेटिस, जो हम व्रत के लिए खा सकते हैं। ये बहुत ही कुरकुरा सा एक नाश्ता है व्रत के लिए, फलाहारी है। और सारे इंग्रेडिएंट जो है उपास में यूज़ होने वाले हैं। थोड़ा सा रेसिपी लंबी है गाइस, तो मुझे इसके लिए माफ़ करना। मैंने बहुत कोशिश की इसे छोटा करने की, पर प्लीज़ इस रेसिपी को आप अंत तक देखिएगा और मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और देखिए कितना स्टफ इसका, आप दिखाती हूँ मैं, कितना मस्त सा ये कुरकुरा सा नाश्ता बना हुआ है। और इससे अलग अलग हो गया, देखिए अब कितनी मस्त बॉल बनी हुई है। और देन आप इसको इन्जॉय कीजिए ये ग्रीन चटनी के साथ। ये ग्रीन चटनी भी फलाहारी चटनी बनी है गाइस, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बिना किसी देर के। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले स्टेप की तरफ। यहाँ में जो साबूदाना का जो है हमारा, उसको रोस्ट करना है, क्योंकि इसको मुझे पीस कर इसका पाउडर जैसा बनाना है बेस के लिए। आप बेस में अरारोट का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप व्रत में खाते हो तो। मैं नहीं खाती हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर साबूदाना का यूज़ किया है। अगर आप बिना उपास के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप शायद इसके लिए राइस फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा साबूदाना जो होता है वो रोस्ट हो चुका था, इसका हम बना लेते हैं फाइन सा या कोरस सा अपना एक पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं। तो दिखा देती हूँ मैं आपको अपने साबुदाने के पाउडर की कंसिस्टेंसी। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इसका फाइन बनाना था, पर मेरे मिक्सर ग्राइंडर में बन नहीं रहता। आप अगर इसमें और फाइन बना सकते हैं गाइस, तो ज़रूर बनाइए, पर मेरे लिए ये काफ़ी है। तो मैं चलिए पढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने सैगो के पाउडर को निकाल लिया है और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन। तो आ गए हम अपने सेकेंड स्टेप की तरफ। हमें ग्रीन चटनी बनाना है। ये ग्रीन चटनी जो है दो टाइप की, इसमें मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने यहाँ पे कोरिएंडर लीफ, मिंट लीफ, जिंजर और ग्रीन चिली ले रही हूँ पहले, और देन इसके बाद इसको मैं फाइन सा पीस लूँगी। ये फाइन या दरदरा जैसा भी पीसेगा मेरे को चलेगा। ये इस तरह का भी कंसिस्टेंसी रहेगी तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे को जो हम पेटिस की स्टफिंग बनाएंगे उसमें यूज़ करना है, इसलिए मैंने इसमें यहाँ दो चम्मच निकाल लिया है। देन मैं यहाँ पर रॉक सॉल्ट डाल दूँगी, यहाँ पर साबुत जीरा डाल दूँगी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दूंगी, आप साबुत ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हो, और दो चम्मच कर्ड डालूंगी, क्योंकि ये ग्रीन चटनी के कलर को अगर ग्रीन बनाकर आपको रखना है लॉन्ग टाइम तक के, तो आप इसमें दही का या नींबू का यूज़ कीजिए, ताकि आपकी चटनी जो है, जो उसका नेचुरल कलर है ग्रीन कलर, वो बना रहे। तो ये बन गई मेरी यहाँ पर ग्रीन चटनी, जो मैं इसको पेटिस के साथ खाने वाली हूँ। तो चलिए इसको रखते हैं साइड पर और बढ़ते हैं अपने अदर स्टेप की तरफ। तो आ गई हूँ मैं थर्ड स्टेप, जहाँ पे मैंने आलू को बॉईल करके पील कर लिया था। देन इसको मैं ग्रेट करके इस तरह से इसके जो है हमारे आलू को किस लूँगी। तो आलू को किसने के बाद मैं इसका जो है दो पार्ट करने वाली हूँ। दो पार्ट करेंगे, एक हम स्टफिंग के लिए यूज़ करेंगे, एक जो हम उसकी कवरिंग बनाने वाले हैं उसके लिए यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से आलू को आप ग्रेट कर लीजिए। आपको, आप चाहें तो चम्मच से भी मसल सकते हैं अगर मसलें तो, पर मेरे को लगता है कि आप ग्रेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से फाइनली आप उसको आटा टाइप जो गूँथना है अभी हमको कवरिंग के लिए, वो परफेक्ट रहेगा। तो देखिए आलू ग्रेट हो चुके थे, तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट पे। और गाइस, अभी तक अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले जो न्यू वीडियो की भी नोटिफिकेशन वो आपको मिलती रहे। तो चलिए, हमने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो चलिए एक पार्ट को रखते हैं साइड में, और ये है हमारा जो आलू का बेस, उसमें हम डाल देंगे अपना जो हमने अभी साबूदाना को पीसा था उसके पाउडर को, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल देंगे और दैनिक अच्छा सा नीट करके हम डो जैसा बना लेंगे, और इसको फिर हम रख देंगे साइड पर कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्टिंग पीरियड पे। तो आ गए हैं गाइस हम हमारे फिफ्थ स्टेप पे। यहाँ पर हम बनाने वाले हैं पेटिस की स्टफिंग। ये है थोड़ी सी खट्टी मीठी तीखी सी चटपटी सी स्टफिंग होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये दोनों ही तरह की चीज़ें यूज़ की हैं। तो चलिए ऐड करते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स, और साथ ही साथ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं अपने कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली, जिंजर और हमारा जो ग्रीन मसाला हमने बनाया था, जो हमने दो चम्मच निकाल के रख लिया था, तो वो। और देन इसके बाद थोड़ा सा मूँगफली हम यहाँ पर रोस्टेड वाली जो है उसका पाउडर डालने वाले हैं। ये बाइंडिंग करने में हेल्प मिलेगी। रॉक सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर
पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। अगर आप शक्कर यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो शुगर को, तो आप एक चम्मच शुगर भी यूज़ कर सकते हो गाइस, और आप नींबू भी ऐड करें। मेरे पास नींबू था नहीं इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। और देन इसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। यदि आप बिना उसके लिए बना रहे हैं, बिना उपास के लिए बना रहे हैं, तो आमचूर पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए हमारी स्टफिंग जो है बनकर रेडी हो गई है गाइस। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इन माय चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सिक्स स्टेप की तरफ। थोड़ा सा हम अपने ऑयल अप्लाई कर लेंगे पाम में, छोटी छोटी हमारे स्टफिंग की जो बॉल्स है वो बना के रख लेंगे। बॉल का साइज आप छोटा ही रखेगा गाइस, क्योंकि जब आप इसको अंदर भरेंगे तो ये और बड़ी हो जाती है, जैसा मेरे केस में हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप बॉल का साइज़ थोड़ा सा छोटा रखें। तो ये मेरी सारी राउंड बॉल्स इस तरह के देखेंगे, इनको बना के हम साइड पर रख देते हैं। तो फाइनली गाइस बॉल्स सारी बनकर रेडी हो चुकी थी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा जो सेवन्थ स्टेप है। अभी हम ले लेंगे पाम में थोड़ा ऑयल और थोड़ा सा पोर्शन आलू का जो हमने बेस बनाया था उसको इस तरह से लेंगे। देन उसके बाद एक फ्लैट से हम चपाती जैसा राउंड साइज बनाएंगे। जितना पतला आप बना सकते हो उतना बनाइएगा। ये ईजिली बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप आसानी से बना पाएंगे। देन इसके बाद बॉल्स को भर कर इस तरह से सील आउट कर दीजिए। और थोड़ा सा यहाँ वहाँ अगर आपका आलू निकल रहा है, जैसा मेरे केस में हुआ, पर कुछ आलू निकले उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही गाइस, चलेगा, नो प्रॉब्लम। और इस तरह से आप भर लीजिए स्टफिंग को पूरा और सारी बॉल्स बनाकर रेडी कर लीजिए। तो एक्चुअली ये इस तरह का दिखेगा, राउंड सी बॉल दिख रही है। और इस तरह से हम सारे जो हमने स्टफिंग भर लेंगे, इस तरह का सील पैक होना चाहिए। जो मेरी थर्ड बॉल थी वो परफेक्ट बनी थी। तो इस तरह से थोड़ा अगर आलू का मसाला निकले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं एट्थ स्टेप की तरफ। वो यहाँ पर हम सैगो का जो पाउडर था उस तरह से कोटेड कर देंगे, और देन इसके बाद इसको हम फ्रिज में करीबन 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अभी तक आपको रेसिपी पसंद आई है मेरी, तो डेफिनेटली पसंद आई होगी गाइस। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। और अभी आप मेरे साथ बने रहिए गाइस। एक और स्टेप बचा हुआ जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। तो इस तरह से सारे बॉल्स कोटेड हो गए थे और मैंने इन्हें फ्रिज पे रख दिया 5 से 10 मिनट के लिए। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, मैंने नहीं रखा था क्योंकि मेरे पास फ्रिज नहीं है। तो ये बॉल्स भी रेडी हो गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट स्टेप जो है हमारा फ्राइंग। तो हम आ गए हैं अपने लास्ट स्टेप जो है फ्राइंग, और तेल भी हॉट था गाइस। इसके बाद मैं इसको डाल दूंगी। देन इसके बाद 1 मिनट तक मैं इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगी। देन धीरे धीरे मैं ऑयल को जो है चारों तरफ से जो है इनके ऊपर थोड़ा सा डालूंगी। देन उसके बाद धीरे धीरे इनको पलटूंगी। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं और ईजिली ये पलट रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। आप बना सकते हो इस तरह से, सैलो फ्राई कर सकते हो। और देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और मस्त लग रही थी। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं प्लेट पे। तो सारी बॉल्स फ्राई हो चुकी थी गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेटिंग और उसे गरम गरम ही खाएं गाइस, वरना आप जो अंदर का गर्म हॉट जो स्टफिंग है वो मिस करेंगे। तो गरम गरम इसे एंजॉय कीजिए हरी चटनी के साथ। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ थोड़ा सा कि कितना मस्त सा ये अंदर का स्टफिंग लगता है। चटनी भी देखिए, मैं आपको जो बोल रही थी ग्रीन कलर बना रहता है अगर आप उसमें खट्टा कुछ नींबू या फिर दही ऐड करें तो। तो देखिए कितना मस्त खुला ना, ओपन हुए ना स्टफिंग और ये कवरिंग, कितना मस्त लग रहा है गाइस। कुछ चीज़ बॉल जैसा लग रहा है ना। ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर योर वॉचिंग सपोर्ट एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी पे।